हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो अब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आप जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक तो प्लस टू में भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन में भी हमारे को कहीं ना कहीं आ जाता था। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको बताने से पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर है किस बेस पे, कैश फ्लो के ऊपर। मतलब जो चैप्टर का नाम से ही आप समझ सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो मेनली डिपेंडेंट होता है कैश के ऊपर। अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, ये क्या होता है, ये सब कुछ इस लेक्चर के थ्रू हमारा क्लियर हो जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसकी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस कंसर्न में कौन से में जरूरी है, कौन से में नहीं है। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो सभी बिजनेस कंसर्न में जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा लॉफुली कंपलसरी है, मैं कह रहा हूं जरूरी है हर। अब जैसे कि आपको पता है जो कैश बुक है, आप प्लस वन से कैश बुक करते आ रहे हो, कैश बुक जो है हर एक बिजनेस कंसर्न बनाती है, चाहे वो छोटा सा दुकानदार क्यों ना है, चाहे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी कैश बुक बनाती है। कैश बुक क्यों बनाई जाती है, कैश बुक ये देखने के लिए बनाई जाती है कि हमारे को पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इन इन पर्सन से पैसा आया, इन पर्सन से इन इन पर्सन को हमने पेमेंट करी, ये हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, ये हमारी इनकम रिसीव हुई, ये हमने इसको पैसा दिया, ये उसको पैसा दिया, ये फिक्स एसेट्स के लिए, ये करंट एसेट्स के लिए एंड मैनी मोर। मतलब सब कुछ जो है वो कैश बुक में हमें पता लग जाता था, पर कैश बुक को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। अब उसमें कैश बुक में एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी कि हमें ये नहीं पता लग पाता था कि ये जो पैसा है हमारी रूटीन एक्टिविटी से आया है, या तो फिर हमारी कोई हमने एसेट सोल्ड करी थी उससे पैसा आया है, या फिर हमने कोई लोन लिया है, कहाँ से पैसा आया है कुछ नहीं पता लग जाता। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप या मैं, अगर तो मैं बिजनेस करने के लिए जाता हूँ, राइट, मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा काम सपोज करो किसी भी तरीके की शॉप है मेरी, मैं वहां पे शॉप पे सेल करता हूँ, पैसे घर से घर पे लेकर आता हूँ, शॉप में पैसा जो कलेक्शन होती है उसको आप क्या मानोगे, ऑपरेटिंग रिसीट मानोगे, बिजनेस का इनकम है हमारा, राइट, बिजनेस की सेल होगी। उसके बाद हमारे घर वालों को तो यही पता है कि घर पे पैसा आया है, राइट, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसे लेकर आए हैं। अब दूसरी चीज होती है, मैंने क्या किया, एसेट सोल्ड कर दी, कोई वहां की बिजनेस की एसेट सोल्ड कर दी, तब भी मेरी जेब में पैसे आ गए, मैं घर पैसा लेकर आया, घर वालों को फिर लगा कि हाँ लड़का हमारा कमा के लेकर आया है। तीसरा केस क्या है कि हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया, या फिर मैंने किसी अपने दोस्त से उधार पकड़े, उससे पैसा उधार लिया, फिर घर पे लेकर आ गया, घर वाले फिर खुश कि लड़का हमारा कमा के पैसे लेकर आया है। तो क्या तीनों केसेस में सिचुएशन सेम है? जी नहीं। तो इसीलिए इन तीनों चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करने के लिए कि भाई ये पैसा आया कहां से, कैश बुक जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ये पैसा आया कहां से, हमारा जो मेन बिजनेस है उससे आया या कहीं और से आया, राइट, आपने कुछ एसेट्स वगैरह बेची हैं उससे पैसा आया, या फिर कोई लोन लिया है उससे पैसा आया। मतलब हमारा जो मेन बिजनेस है उससे पैसा आया, मतलब पूरा हमारा जानने का कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोसेस जो है इसी चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है कि हमारा जो कैश का फ्लो है मतलब प्लस या माइनस जो भी है वो सारा का सारा कहां से कैसे कैसे घूम रहा है,
राइट क्योंकि कैश जो है बिजनेस की सबसे मेन चीज है, उसको जाने बिना आप बिजनेस को चाहे आप शॉर्ट टर्म में चाहे आप लॉन्ग टर्म में रन नहीं कर सकते। जब तक आप ये प्लान नहीं कर लेते कि कैश हमारा किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, तब तक इम्पॉसिबल है कि आप बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर पाओ। राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारी पहली स्लाइड आप देख सकते हो, कैश फ्लो इज किंग। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कैश जो है हमारा वो क्या है, किंग है। किंग कैसे है, क्योंकि चाहे वो छोटी बिजनेस कंसर्न है चाहे वो बड़ी बिजनेस कंसर्न है, सभी बिजनेस कंसर्न को कैश की जरूरत पड़ेगी। अपनी रूटीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए हमारे को कैश का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। इसीलिए कैश जो है हमारा बिजनेस में क्या है, किंग है। किंग राइट और जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, नेवर टेक योर आईज ऑफ द कैश फ्लो बिकॉज इट्स अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। आप शुरू से ही अकाउंट्स में बिजनेस स्टडी में सुनते आ रहे हो क्या कैश क्या है, बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में खून के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, ब्लड के बिना हमारा जो शरीर है वो नहीं चल सकता, वैसे ही हमारा बिजनेस जो है बिना कैश के नहीं काम कर सकता। कैश की लिक्विडिटी खत्म हुई, कैश की लिक्विडिटी खत्म हुई साथ ही आपका बिजनेस धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। अब जैसे कि आपने देखा होगा 2016 नवंबर में जब डीमोनेटाइजेशन हुई, नोटबंदी के दौरान बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी, मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि वो जो मजदूर दिहाड़ी को अपने वर्कर्स को पेमेंट करते थे वो कैश बेसिस पर करते थे, और सरकार ने तो अपना कैश की लिमिट लगा दी थी कि आप 4,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते, 50,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते, हफ्ते में 2,00,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते, सभी के लिए कंडीशंस लगा दी, जिससे कैश की लिक्विडिटी क्या हुई, बिल्कुल रुक गई। अब कैश की लिक्विडिटी रुकने से क्या हुआ, बिजनेस में हमारा जो फ्लोस थे वो रुक गए, पेमेंट के लिए पैसा हमारे पास नहीं बचा। तो इसलिए कहते कैश जो है वो क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। जैसे कि आप देख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इसके हमने तीन में डिवाइड किया है, जैसे आपको पता है कैश, दूसरा फ्लो, तीसरा स्टेटमेंट। सबसे पहले कैश क्या चीज है, कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये आपको आगे जाके बता दिया जाएगा, आपको मैं क्लियर कर दूंगा बिल्कुल डिटेल में कि कैश क्या है और कैश इक्विवेलेंट क्या है। राइट उसके बाद है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है जी, चेंजेस इन कैश ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। चेंजेस कितनी आई, अब फ्लो का मतलब ही क्या होता है, बहना, बहाव। बहाव में क्या होता है, एक चीज पानी इधर से, मान लो पानी की तरफ आप बात करो, पानी इधर से जा रहा है आगे से आ रहा है, तो मतलब क्या है, इन एंड आउट दोनों हो रहे हैं, पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। राइट चेंजेस इन द कैश ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। अब जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप चाहे स्टॉक की चाहे डेटर की चाहे बिल पेबल की किसी भी चीज की ले लीजिए, एसेट्स की ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट जो रिप्रेजेंट कर रही थी, फिक्स एसेट बैलेंस शीट जो फिक्स एसेट रिप्रेजेंट कर रही थी वो 1,00,000 की थी, और 18 को कितने की थी, 1,20,000 की। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20,000, तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हो जो एसेट की वैल्यू 20,000 इंक्रीज हुई है वो क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश, कि आपके जो 20,000 रुपए हैं वो कैश गया है। राइट तो ये होता है हमारा फ्लो। उसके बाद बात करते हैं जी स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विदाउट फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम।
अब स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करी प्लस वन में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या आपको रिप्रेजेंट करती थी? बैंक बीआरएस आपको ये रिप्रेजेंट करती थी कि आपको सिर्फ ये बताना है कि कैश बुक और पासबुक में जो बैंक की ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो आपस में मैच क्यों नहीं कर रही, वो प्लस माइनस करके हम एडजस्टमेंट करके बता देते थे कि हाँ इन रीजंस की वजह से जो हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही। तो ऐसे ही यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, कोई अकाउंट नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट हम बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हाँ इन कारण की वजह से, इन रीजंस की वजह से हमारा जो कैश है वो पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट इतना शो कर रहा है, पर एक्चुअल में हमारा कैश जो प्रॉफिट है वो इतना है, राइट? कि एसेट्स हमारी इतने की सोल्ड हुई है, एसेट्स और लोन इतने का लिया, ये उतने का, सब कुछ, राइट? तो स्टेटमेंट क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किए, राइट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फ्लो का मतलब क्या है, चेंजेस क्या हुई, चेंजेस किसमें, पिछले साल और इस साल में, या आप कह सकते हो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, वो फ्लो है, राइट? तीसरा जो होता है वो होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको अभी ये बताई दी मैंने, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। करेक्ट, इट इज डिजायर्ड टू एक्सप्लेन, इट इज डिजायर्ड टू एक्सप्लेन टू मैनेजमेंट द सोर्सेज ऑफ कैश एंड इट्स यूजेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं इट इज डिजायर्ड है टू एक्सप्लेन टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हम अपनी इच्छा से एक्सप्लेन करना चाहते हैं सोर्सेज ऑफ कैश एंड इट्स यूजेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं हम अपनी मर्जी से मैनेजमेंट को बताना चाहते हैं कि भैया जी इस पीरियड में, इस साल में, इस क्वार्टर में, इस हाफ ईयर में हमारा जो पैसा है वो इस जगह से आया है। जैसे कि मैं अभी शुरुआत में आपके साथ डिस्कस बात कर रहा था कि भाई अगर हम अपने घर पे पैसा लेकर आते हैं तो हमारे पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि पैसा आया है, जब तक हम उन्हें ये नहीं बताएंगे ये पैसा कहाँ से आया है तब तक उन्हें कैसे क्लियर होगा कि ये पैसा ऑपरेटिंग का है या इन्वेस्टिंग का है या फाइनेंसिंग का है, मतलब ये पैसा आया कहाँ से है, राइट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहते मैनेजमेंट को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं जी हमारा जो ये कैश है ये इस सोर्सेस से आया है, मतलब इस जगह से पैसा हमारा आया है और इसका इस्तेमाल हमने कौन सी जगह पे किया है। जैसे कि आपको पता है अगर एज ए आप सीनियर, एज ए पेरेंट्स, अगर आपको मैं कहूं कि अगर आप अपने पेरेंट्स को साफ साफ बता देते हो कि उन्होंने जो आपको पॉकेट मनी दी आपने कहा कि हाँ ये पैसा मेरा इतना यहां पर खर्च हो गया, तो वो आपको एक बारी भी नेक्स्ट टाइम मना नहीं करेंगे पैसे देने के लिए, क्योंकि आपने सच सच बता दिया कि आपने पैसा ये खर्च कहां पे किया, बुक्स पे किया, नोट्स पे किया, कहां पे किया, राइट? तो कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किसने बनाया जाता है, कहते मैनेजमेंट को हम अपनी मर्जी से बताना चाहते हैं कि किन सोर्सेज से पैसा आया और कहां पे ये यूज हो गया ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो क्या है, एक स्टेटमेंट है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? उसके बाद है जी कहते स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिपोर्ट्स द इनफ्लोज दैट इज कॉल्ड रिसीट्स एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। कहते जो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है कैश इनफ्लोज की, मतलब रिसीट्स की और पेमेंट्स की, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ये क्या है, स्टेटमेंट है, एक रिपोर्ट है, एक काइंड ऑफ रिपोर्ट है, जैसे आपकी स्कूल की
रिपोर्ट कार्ड आती थी उसमें बताते थे कि हाँ आपके कितने ग्रेड हैं, कितने मार्क्स हैं, बच्चा कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं पढ़ रहा, वो सब कुछ बताया जाता था। ऐसे ही यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड है एक टाइप की, जिसमें बताया जा रहा है कि कितनी हमारी रिसीट्स हुई है, कितनी हमारी पेमेंट हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक ए कैश बुक विच रिप्रेजेंट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी किसकी तरह है, बिल्कुल कैश बुक की तरह है, बिल्कुल कैश बुक की तरह है, जिसमें हम क्या बात करते हैं कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया। पर कैश बुक में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती कि भैया जी कितना पैसा कहां से आया कितना पैसा कहां से नहीं आया, राइट। तो ये हमारी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहते सबसे पहले हमने क्या बात की कि हम क्या बताना चाहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हम ये बताना चाहते हैं मैनेजमेंट को कि इस सोर्सेस से हमारा कैश आया और इस जगह पे हमारा पैसा इस्तेमाल हो गया। नंबर दो ये क्या है, एक रिपोर्ट है। नंबर दो ये क्या है, एक रिपोर्ट है जो क्या बताती है कि रिसीट्स कितनी है और पेमेंट्स कितनी है। नंबर तीन और लास्ट ये क्या है, कैश बुक की तरह है जो हमें क्या बताना चाहती है, ये हमें बताना चाहती है कि हमारा पैसा कहां से आया और कौन सी जगह से आया। उसके बाद सबसे मेन, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सभी को बनानी जरूरी है, पर उससे उसके साथ साथ मैंने आपको फटाफट ये भी कह दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सभी को कंपलसरी नहीं है, सभी को कंपलसरी नहीं है। अब मतलब एक तरफ मैंने आपको बोल दिया कि सभी को कंपलसरी है, कंपलसरी क्यों है मतलब मैं अपनी मर्जी से इस तरीके से कह रहा हूं कि अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करना चाहते हो तो इसलिए सभी को जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये पैसा हमारा है कौन सी जगह से आ रहा है, तब तक आप कैश की मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो चाहे आपकी छोटी बिजनेस कंसर्न है चाहे बड़ी बिजनेस कंसर्न है, सभी को कैश के मैनेजमेंट के लिए बनाना चाहिए। अब किसको जरूरी है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हु शुड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज वॉलंटरी फॉर एवरीवन। जैसे मैंने कहा आपको कि सभी को बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो इज ए किंग। कैश क्या है, किंग है। अब अगर आप किंग की नहीं बात मानोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, राइट। उसके बाद क्या है, कंपल्सरी किसके लिए है, नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी के लिए, नंबर दो लिस्टेड कंपनी के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंपलसरी है इंश्योरेंस कंपनी के लिए और लिस्टेड कंपनी के लिए, राइट। अब कहते हैं एएस 3 स्पेसिफाई द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो स्पेसिफाई करता है कि कौन से मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी चाहिए या बनानी है, राइट। तो क्लियर हो गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या है, सभी के लिए जरूरी है। अब जरूरी है वॉलंटरली, लॉफुली नहीं, वॉलंटरली जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि इतना पैसा यहां से आया इतना पैसा यहां पर चला गया, राइट। पर कंपल्सरी किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को बनानी ही पड़ेगी। और मेथड कौन बताएगा, AS 3 बताएगा। अब कहते हैं जी इंपॉर्टेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, ये हमने रफली डिस्कस कर लिया था, पर आपको अच्छे तरीके से अब पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द अमाउंट्स टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज हैपन इन द पास्ट। मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से पढ़िए इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द अमाउंट्स। कहते हैं ये पॉसिबल करने में, प्रिडिक्ट करने में मदद करता है हमारे को कि किस टाइमिंग पर और जो अनसर्टेनिटी होने वाली है फ्यूचर में उसके बेसिस पर उसको हम प्रेडिक्ट करना करने वाले हैं पास्ट को देखकर।
अब हमने पास्ट में देखा कि भाई इस पीरियड में हमारे को इतना पैसा आया था। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि दिसंबर के मंथ में या जून के मंथ में बच्चों की हॉलीडेज होती हैं, क्योंकि सीएस सीएमए के एग्जाम चल रहे होते हैं, तो उन दिनों में हमारे को रिसीट्स बहुत कम आएंगी, क्योंकि बच्चे तो सभी बीकॉम वाले या फिर कोई सीएस वाले सीएमए वाले हॉलीडेज पे हैं। तो हमारे को क्या करना होगा, हम पहले ही प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि हमें कैश का मैनेजमेंट इस तरीके से करके चलना है, राइट। तो हर एक जैसे बिजनेस में एक सीजन होता है, एक ऑफ सीजन होता है। अब ऑफ सीजन में वो ऑफ सीजन को वेल पहले ही पास्ट को देख के प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि हमारा जो ऑफ सीजन आने वाला है उसके लिए हमें कैश का अरेंजमेंट करके रखना है, मैनेजमेंट करके रखना है। तो मतलब क्या हुआ, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारे को प्रेडिक्ट करने में मदद करती है कि फ्यूचर में हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करके रखना है, फ्यूचर के लिए हमें प्रेडिक्ट करके रखना है कि इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, राइट। तो नंबर वन क्या हुआ कि ये प्रेडिक्ट करने में मदद करता है पास्ट इवेंट को देखकर। नंबर दो, डिटरमाइन द एबिलिटी टू पे द डिविडेंड एंड अदर कमिटमेंट्स। कहते इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी जो एबिलिटी क्या है टू पे द डिविडेंड एंड अदर कमिटमेंट्स, अदर कमिटमेंट्स और डिविडेंड को पे करने की हमारी एबिलिटी कितनी है। उसके बाद डिस्क्लोज करता है मूवमेंट ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, मूवमेंट डिस्क्लोज करता है कि इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। उसके बाद क्या डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोज द सक्सेस और फेलियर ऑफ कैश प्लानिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने क्या किया, हमने अंदाजा लगाया पास्ट को देखकर, फ्यूचर के लिए अंदाजा मान लो लगा लिया, पास्ट को देखकर हमने फ्यूचर के लिए अंदाजा लगा लिया कि इतना पैसा आने वाला है, इतना जाने वाला है। अब उसको फिर हम जब वो फ्यूचर में टाइम पीरियड हैपन हो जाएगा, गुजरने के बाद हम एनालाइज करेंगे, प्लानिंग करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ जो हमने कैश की प्लानिंग करी थी वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। जो हमारा कैश का प्लानिंग का प्रोसेस था वो सक्सेसफुल हुआ या फेल कर गया। उसके बाद है जी, इवेल्युएट करते हैं हम मैनेजमेंट के डिसीजन। मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिए थे कैश के रिलेटेड, उसको हम इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि क्या वो सही थे या नहीं सही थे, राइट। लास्ट है, इट शोज द रीजंस फॉर लोअर एंड हायर कैश बैलेंसेस विद द एंटिटी। ये क्या करता है, शो करता है रीजंस कि क्यों, किस वजह से हमारा हायर कैश बैलेंस शो कर रहा है या लोअर कैश बैलेंस शो कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक की तरह नहीं है, सिमिलर है, वो भी कैश का काम करता है, ये भी कैश का ही काम करता है, पर कैश बुक में सिर्फ आपको यह बताया जाता है कि हाँ इतनी मान लो बहुत सारी साल में ट्रांजैक्शन हुई है, किसी क्वार्टर में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें आपको ये तो मान लो कोई छोटी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पर आपको ये एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हाँ ये किस वजह से मेरा बैलेंस जो है कैश का लो आ रहा है या किस वजह से हाई आ रहा है। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएगा कि इन रीजंस की वजह से हमारा जो कैश का बैलेंस है वो हाई आ रहा है या लो आ रहा है, राइट। तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंस कैश फ्लो के, फटाफट बोल देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर वन प्रेडिक्ट, फ्यूचर के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसके लिए अपना मददगार साबित होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर दो, एबिलिटी पता लग जाती है कि हमारी डिविडेंड पे करने की और अदर कमिटमेंट पे करने की एबिलिटी है या नहीं। नंबर थ्री, मूवमेंट ऑफ कैश डिस्क्लोज कर देता है। नंबर चार, सक्सेस और फेलियर शो कर देता है कि कैश प्लानिंग जो हमने करी थी पास्ट में वो सक्सेस हुई या नहीं हुई। और मैंने इवेल्युएट करता है मैनेजमेंट के डिसीजन, मैनेजमेंट ने जो कैश के लिए डिसीजन लिए थे वो कैसे रहे। लास्ट में रीजंस लोअर और हायर कैश फ्लो के। अब सबसे मेन
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो हमारा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं कैश की। कैश क्या होता है जी? कहते कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। डिपॉजिट मींस दोज डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर। अब कहते जी मतलब कैश का क्या हो गया? कैश का मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि जो हमारी जेब में कैश है प्लस हमने जो बैंक में सॉरी हमने जो बैंक में पैसा जमा करवाया हुआ है वो हमारा भी कैश है। तो कैश में खाली कैश नहीं हुआ, कैश में क्या हुआ? हमारा जो कैश पड़ा है हमारे पास प्लस जो हमारे बैंक में डिपॉजिट्स पड़े हैं वो भी कैश का ही पार्ट हो गए। और वो वाले डिपॉजिट्स जो क्या है हम बैंक में बैंक को जाके डिमांड करते हैं वो हमारे को पे कर देते हैं। तो मतलब ये कौन से हो गए? जो हमारा करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन का वो डिपॉजिट जो हम डिमांड करते हैं और हमें बैंक पे कर देता है। राइट, तो क्लियर हुआ कैश में क्या हुआ? कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। नंबर दो सबसे इंपॉर्टेंट कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट कहते क्या है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू द नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। कहते हैं नंबर वन कैश इक्विवेलेंट क्या है? शॉर्ट टर्म होती है। नंबर दो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। कैश इक्विवेलेंट क्या है? शॉर्ट टर्म है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है और रेडिली कन्वर्टेबल इनटू द अमाउंट ऑफ कैश है। मतलब बड़ी ही आसानी से कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। इसलिए बोल रहे हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या होता है? बराबर। कहते ना आप मेरे इक्विवेलेंट ही हो, ठीक है, मेरे बराबर की एज के ही हो। राइट, तो या फिर कहते हैं इक्विवेलेंट, यू आर इक्विवेलेंट टू माई ब्रदर। तो वो हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको? भाई तू मेरे भाई जैसा ही है, मेरे भाई के बराबर ही है। राइट, तो कैश इक्विवेलेंट में नंबर वन क्या हुआ? शॉर्ट टर्म होती है, हाईली लिक्विड होती है, जो क्या है रेडिली क्या होती है कन्वर्टेबल इनटू द कैश होती है और सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू। जिसमें क्या है इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है इन द चेंज ऑफ वैल्यू। कैश इक्विवेलेंट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट रेदर देन फॉर इन्वेस्टमेंट और अदर पर्पस। कहते जो हम कैश इक्विवेलेंट में पैसा रखते हैं उसका हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नहीं, वो हम किस लिए रखना चाहते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट। राइट, तो एग्जाम्पल्स क्या है कैश इक्विवेलेंट की? ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं और इसके जो अपना डिपॉजिट होते हैं वो हमारे इसमें आ गए। राइट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर मेनली, ये क्या है हमारे कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो ओवरऑल हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या हो गया? नंबर एक कैश, कैश में क्या हो गया? कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। अब जो डिपॉजिट्स हैं हम डिमांड करते हैं बैंक हमें वापस दे देता है वो हमारा कैश ही है। राइट, नंबर दो कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या चीज है? कैश इक्विवेलेंट क्या है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसको क्या है हम किसमें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब मर्जी, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब मर्जी। विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज, ठीक है जी, जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है चेंजेस इन वैल्यू में। राइट, और कैश इक्विवेलेंट हम किस लिए रखते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखते, किस लिए रखते हैं? सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट को, जो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स होती हैं उसको मीट करने के लिए। राइट, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो हमारा शुरू हो गया, अब हमारा प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए हमारी जो बेस खड़ा होना है वो शुरू हो गया।
राइट, बेस बनाना शुरू हो गया। क्या हुआ? ये वाला हिल गया तो मैं, कोई बात नहीं। अब जो मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारा दो तरफ से इंपॉर्टेंट है, दो तरफ से इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? कि हमारे जो मेथड्स हैं वो हमें बताती हैं कि कैसे हमने रिसीट्स को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है और दूसरा किस टेक्निक से करना है, राइट। अब जो मेथड्स हैं उसके, कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड हैं, नंबर एक डायरेक्ट, नंबर दो इनडायरेक्ट। और AS3 स्पेसिफाई करता है मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने। अब दो मेथड है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। अब पहले जो मैं आपको सम्स करवाऊंगा वो आपको डायरेक्ट मेथड के करवाऊंगा, फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड के। पर उससे पहले मैं आपको एक डिटेल बताना चाहूंगा, डिटेल बताऊंगा आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी एक्टिविटी में डिवाइडेड है, उस एक्टिविटी के बारे में पूरी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, फिर जाके हम लास्ट में प्रैक्टिकल के ऊपर आने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं एक अच्छी डिटेल के थ्रू, राइट। तो कैश स्टेटमेंट के हमारे डायरेक्ट मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड दो, और दोनों के दोनों कहां पे डिफाइन किए गए हैं? AS3 में डिफाइन किया गया है कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब आपको जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो वहां पे बता दिया जाएगा कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है। अब सबसे मेन चीज जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कैश बुक से डिफरेंट है, एक अलग है, हटके है, क्यों अच्छा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों फायदेमंद है एज कंपेयर टू कैश बुक। रीजन, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी जो बिजनेस की इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं, कैश इनफ्लो और रिसीट्स और पेमेंट है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है 3 एक्टिविटी में डिवाइडेड है, नंबर 1 ऑपरेटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 फाइनेंसिंग। अब इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर वन हमारी होती है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमारी बिजनेस की 3 एक्टिविटीज होती हैं। पैसा जो है हमें 3 साधनों से आता है। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमें बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब होता है मेन बिजनेस, हमारा कोर बिजनेस किस चीज का है। हमारी जो अदर अलाइड एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उससे तो पैसा आ रहा है, वो तो अलग है, पर हम जो पैसा रिसीव कर रहे हैं हमारा किस पर्पस, बिजनेस क्या है हमारा, और जिस बिजनेस, जो बिजनेस है और उसी सोर्स से हमें पैसा आ रहा है वो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हम 6-7 बिजनेस यूनिट की एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हमारी ऑपरेटिंग होती हैं, रिसीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम केसीसी ट्यूटोरियल जो है उसकी जो मेन बिजनेस किस चीज का है, हमारा कोचिंग का, ऑफलाइन फेस टू फेस एंड ऑनलाइन क्लासेस का। अब जो हमारा केसेस ट्यूटोरियल का जो ट्यूशन फीस आती है, हम क्लासेस सोल्ड करते हैं, वो जो हमारी रिसीट्स हो गई वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग रिसीट्स हो गई। उसके लिए मान लो अपना, उसके अलावा हम नोट्स सोल्ड करते हैं बच्चों को, नोट्स सोल्ड करते हैं, बुक सोल्ड करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ऑपरेटिंग रिसीट्स हो जाएंगी। अब हमारी ऑपरेटिंग पेमेंट्स कौन सी होंगी? हमने स्टाफ को सैलरी पे करी, एसेट्स के लिए अपना जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए खर्चा हुआ, उसके बाद हमने कोई एम्प्लॉई वगैरह को सैलरी पे करी, कुछ रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे जो बिजनेस के हो सकते हैं, ऑफिस के, हमारे इंस्टीट्यूट के, वो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग आउटलोज हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 2 आप कोई
इजीली, जैसे अपना स्टोर्स की बात कर लो, अब उन वो जो गुड्स परचेज करते हैं, मान लो कोई किराने की दुकान ला लो, किसी भी चीज की अपना शॉप ले लो, इनको इजी डे बिग बाजार वगैरह को ले लो, अब इनके लिए क्या होगा, जो गुड्स परचेज करते हैं ये इनकी आउटलो हो गई, ऑपरेटिंग आउटलो। अब ये जो सेल करते हैं, हम कस्टमर को सेल करते हैं, राशन इन्होंने बेचा हमारे को, ये इनकी ऑपरेटिंग रिसीट्स हो गई। तो उसके बाद आप टेली कम्युनिकेशन कोई कंपनी को ले लो, रिलायंस को ले लो, वोडाफोन को ले लो, आइडिया को ले लो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे को सर्विसेज प्रोवाइड करी। अब सर्विसेज के थ्रू जो पैसा आया इनको, हमने रिचार्ज वगैरह कराया, इनकी क्या हो गई, ऑपरेटिंग रिसीट्स हो गई, और इनके जो नेटवर्किंग का जो खर्चा हुआ है इनके लिए, स्टाफ को सैलरी पे करी, अपना कमीशन पे करी, वो क्या है, इनकी ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। उसके अलावा आप कोई और बिजनेस ले लो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ले लो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मान लो, सपोज करो कि अपना कैनन वाले हैं, इन्होंने क्या किया, ये क्या करते हैं, अपना कैमरा वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लस सेल सोल्ड करते हैं। अब जो सोल्ड किया कस्टमर को, उस वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग रिसीट्स हो गई। अब जो इसके लिए जो डिजाइनर वगैरह कुछ अपना इन कुछ भी अपना टेक्नीशियन को जो अपना पैसे देते हैं, एक्सपर्ट जो हैं इनके, इंजीनियर जो हैं, इंजीनियर को पैसा देते हैं, वो सारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग आउटफ्लो हो जाएगा। मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आते हैं, जो हमारा मेन बिजनेस हमारा है, जैसे कि फर्नीचर लास्ट लगा लो, फर्नीचर मैन्युफैक्चर से डीलर क्या है, फर्नीचर को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है और सोल्ड कर देता है। फर्नीचर को जो सोल्ड किया उससे जो पैसा आया वो उसकी ऑपरेटिंग रिसीट्स हो गई, ऑपरेटिंग रिसीट्स हो गई। आप फर्नीचर के लिए उसने क्या किया, वुडन परचेज किया, प्लाईवुड परचेज करी, ठीक है, नेल्स वगैरह परचेज किए, और कुछ अपना अदर मटेरियल परचेज किया, और स्टाफ रखा, उसको सैलरी पे करी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर वगैरह करवाई, ये सारा कुछ उसकी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग आउटफ्लो हो जाएगी, राइट। तो ये मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो सारी इनफ्लो और आउटफ्लो आती हैं जो हमारा मेन बिजनेस है, हमारा कोर बिजनेस है, राइट। तो चलिए सबसे पहले क्या है, कहते ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहते ये वो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आती है जो क्या है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आती। मतलब वही जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि वो सारी चीजें आती हैं जो क्या है, हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। अब इसमें कहते एग्जांपल्स कौन कौन सी है हमारी कैश फ्लोज की। नंबर एक, कैश रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। पैसा आया हमने गुड्स सोल्ड करी कैश और सर्विसेज रेंडर करने पर। अब दो तरीके से आपको पता है, या तो फिर हम कैश सेल करते हैं या क्रेडिट सेल करते हैं। कैश सेल किया तो उसी समय हमारे पास पैसा आ गया, क्रेडिट सेल करा तो डेटर से पैसा आ गया बाद में, राइट। या फिर सर्विसेज एंटर करी उसमें भी यही होगा, या फिर आप एडवांस पैसे लेते हो या फिर बाद में पैसे लेते हो। नंबर दो, कैश रिसीट फ्रॉम द रॉयल्टी फीस कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज। जैसे मैंने आपको कहा कि हम क्या करते हैं, मान लो कोई बुक है हमारी, रॉयल्टी आती है हमें उससे, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग रिसीट हो जाएगी। फीस बच्चों से आती है, कमीशन आती है किसी किसी से हमारे को, और अदर कोई रेवेन्यू है ऑपरेटिंग की, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गई। उसके बाद हमने कैश पेमेंट टू किया सप्लायर को फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने गुड्स परचेज करी, गुड्स परचेज या तो फिर कैश हो सकती है या तो फिर क्रेडिट हो सकती है। कैश परचेज करी तो हमने एडवांस पैसे दे दिए, इमीडिएट कैश पे किया, इमीडिएट कैश पे किया तो हमारी आउटलो हो गई। उसके बाद हमने क्रेडिट परचेज करी, बाद में पेमेंट करी तो कैश पे टू सप्लायर है, वो हमारी आउटलो हो गई ऑपरेटिंग, राइट। उसके बाद हमने एम्प्लॉई को पैसा दिया है या एम्प्लॉई के बिहाफ पे हमने किसी को पैसा दिया है, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉईज के रिलेटेड हम पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग आउटलो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर द प्रीमियम्स एंड क्लेम्स एनुटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट। इंश्योरेंस कंपनी है, उसको प्रीमियम आता है, प्रीमियम आता है, वो उसका क्या हो गई, अपना इनफ्लो हो गया, और क्लेम वगैरह पे करती है, एनुटी वगैरह पे करती है और पॉलिसी बेनिफिट देती है कस्टमर को,
पॉलिसी होल्डर को वो उसके लिए क्या हो गया, आउटक्लोज हो गए। उसके बाद कैश पेमेंट या रिफंड होती है इनकम टैक्स की अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विद द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इनकम टैक्स हमने पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स रिफंड हुआ वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिसीट्स हो गई, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग आउटफ्लो हो गया, इनकम टैक्स रिफंड वो रिसीव हो गया वापस, हमने पे किया था। अगर आपको देखो ना, अगर इनकम टैक्स पे हुआ है वो आपकी क्या होगी, ऑपरेटिंग आउटफ्लो, रिफंड हुआ है मतलब वापस आया तो वो क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। तो सिंपल। लास्ट में है कैश रिसीट्स एंड पेमेंट रिलेटिंग टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर हेल्ड फॉर द डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, राइट। तो इन चीजों के लिए हमारे पास पैसा आया है या गया है, वो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, वो भी ऑपरेटिंग का ही पार्ट हो गया हमारा, राइट। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हुआ, जो हमारा कैश आया है और कैश गया है मेन बिजनेस कंसर्न, मेन बिजनेस एक्टिविटी के लिए। मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, जो हमारा मेन बिजनेस है, जिस चीज के लिए हमने ये बिजनेस किया, शुरू किया है, राइट। उसके रिलेटेड कोई खर्चे वगैरह हुए वो भी हमारे किस में आ गए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आ गए, राइट। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, हमारी सेकंड एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहले आपको पढ़ देता हूं फिर आपको बताता हूं अच्छे से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। ये क्या है, एक्विजिशन है और डिस्पोजल है लॉन्ग टर्म एसेट्स का और अदर इन्वेस्टमेंट्स का। अब मैं आपको कुल मिला के शॉर्टकट बता देता हूं, आसान तरीका। इन्वेस्टमेंट में आपकी सिर्फ दो चीजें आने वाली हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। नाम ही क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, चाहे आपका वो शॉर्ट टर्म बिजनेस है चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस है, उसमें आपको एसेट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। चाहे आप एक छोटी सी गोलगप्पे की रेडी भी लगाते हो, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो एसेट चाहिए ही चाहिए, रेडी चाहिए जी आपको। उसके लिए कुछ पतीले वगैरह चाहिए, कुछ बॉक्स वगैरह चाहिए सामान रखने के लिए, तो मतलब वहां पर भी इन्वेस्टमेंट लगनी है। तो बिजनेस अगर आप कोई बड़ा शुरू करने जा रहे हो तो एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो होगी होगी। तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ दो चीजें आनी है, नंबर एक फिक्स एसेट। फिक्स एसेट अगर आपने परचेज करी है, फिक्स एसेट परचेज करी है तो आपकी वो क्या हो गई, आउटफ्लो। फिक्स एसेट आपको पता है कौन सी होती हैं, दो तरीके की होती हैं, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर, विच कैन बी टच एंड सीन, राइट। उसके बाद होती है जी इंटेंजिबल फिक्स एसेट। इंटेंजिबल फिक्स एसेट क्या है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, लोमास और बहुत कुछ, राइट। ये जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, मतलब फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो है, अगर आपने परचेज करी, परचेज करी तो वो आपकी क्या हो गई, आउटफ्लो। फिक्स एसेट आपने सोल्ड करी तो वो क्या हो गई, इनफ्लो, राइट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू आपने बताना है आपने पर्टिकुलर पीरियड के दौरान फिक्स एसेट जो सोल्ड करी है वो कितने की करी, वो रिसीट्स हो जाएंगे आपके, इनफ्लो। इनफ्लो यहां पे हम रिसीट वर्ड यूज करते हैं, यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो, राइट। तो फिक्स एसेट आपने सोल्ड करी तो वो इनफ्लो हो गई, जितने की मर्जी सोल्ड हुई। अगर आपने फिक्स एसेट 10,000 की कॉस्ट है या WDV 10,000 है, अगर आपने सोल्ड की है 12,000 में, तो आपने इनफ्लो ले लेना है 12,000 रुपए, राइट। क्योंकि आपका पैसा जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया है, 12,000 रुपए आया है, तो 12,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग इनफ्लो हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिक्स एसेट अगर परचेज की है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। अब आप कहोगे फिक्स एसेट जो, चलो ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए हमें चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए हमें फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी, पर इन्वेस्टमेंट की क्यों पड़ेगी भाई। भाई कई बार क्या होता है, हमारे पास सरप्लस कैश पड़ा है कुछ टाइम पीरियड के लिए, हमें पता है कि हमें, हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कुछ समय के लिए हमारे पास जो पैसा पड़ा है उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर
कर देते हैं वहां पर, तो वो क्या बन जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट अगर परचेज की है तो वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग आउटलो। अगर इन्वेस्टमेंट सेल करी है जैसे फिक्सर में था वैसे ही यहां पर है, जितनी मर्जी कॉस्ट हो जितने में भी सोल्ड हुई वो हमारी इनफ्लो हो जाएगी। 50,000 की इन्वेस्टमेंट 1,00,000 में सोल्ड कर दी, 1,00,000 रुपये इनफ्लो हो गया। 50,000 की इन्वेस्टमेंट 1,00,000 में सोल्ड कर दी, 1,00,000 रुपये क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस इसमें नहीं एडजस्ट करना। इसके अलावा एक तीसरी और लास्ट एडजस्टमेंट क्या आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वो आती है हमारी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो हमने यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें जो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव है, वो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट से, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुल मिलाकर 3 चीजें आ गई। नंबर एक फिक्स एसेट परचेज एंड सोल्ड, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट परचेज एंड सोल्ड, नंबर 3 इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। राइट, ये हमारी कुल मिलाकर क्या थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और यही चीजें मैंने आपको यहां पे नोट्स में दी हुई हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड एंड लास्ट वो एक्टिविटी हमारी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है जी, पहले आपको बोल देते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल। कहते ये क्या है, एक्टिविटी है जो रिजल्ट शो करती है साइज और कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल की, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी एंड बोरिंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो करती है कि जो ऑनर्स फंड है और आउटसाइडर फंड है उसके साइज और कंपोजिशन में कितना चेंज हुआ आया पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, हमारे इस क्वार्टर में, इस हाफ ईयर में, इस ईयर में कितना चेंज आया ऑनर्स फंड का और आउटसाइडर फंड्स का। राइट, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको आपने करा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या थी, जो हमारी रूटीन बिजनेस एक्टिविटी थी वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती थी, जो हमारा मेन बिजनेस था जिसके लिए हमने काम शुरू किया है। उसके बाद हमने करी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या थी, रूटीन बिजनेस को चलाने के लिए आपको एसेट्स चाहिए। एसेट्स में पैसा लगाया, एसेट परचेज करी और सेल करी, वो क्या आ गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को फाइनेंस करने के लिए पैसे की जरूरत थी। अब जब हमने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करते वक्त आपको प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की जरूरत थी, एसेट्स की इन्वेस्टिंग के लिए पैसे की जरूरत थी, अब वो दोनों एक्टिविटी को खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत थी। वो पैसा कौन सी एक्टिविटी से आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया, जो हमारी लास्ट है। राइट, अब इस एक्टिविटी में हम फ्लो मतलब चेंजेस दिखाएंगे किसके, ऑनर फंड्स के और लॉन्ग टर्म फंड्स के। लॉन्ग टर्म जो बोरिंग्स है वो हमारी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। अब इसमें कुल मिलाकर कितनी चीजें आने वाली हैं, नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर 3 डिबेंचर्स, नंबर 4 लोन। ये चार चीजें आने वाली हैं। नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने क्या किया, इशू करे, पैसा आ गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल इशू क्यों किए, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को फंडिंग करने के लिए ही किए हैं। राइट, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर इशू हुए, वो हमारा पैसा आ गया, इनफ्लो, इशू ऑफ शेयर्स इनफ्लो। अब फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, शेयर कैपिटल है वो कम करना चाहते हो, वो क्या हो जाएगी, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, उसको हम बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। अब जो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर है वो क्या हो जाएगी, आउटफ्लो हो जाएगी। राइट, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो जाएगी, आउटफ्लो हो जाएगी, तो वो फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगी, मतलब आउटफ्लो। उसके बाद हमने क्या किया, शेयर इशू वो प्लस हो गया और बायबैक माइनस आउटफ्लो हो गया। दूसरा प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, वो क्या हो गया, इनफ्लो। प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम किए, रिडीम
मतलब पैसे वापस कर दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो क्या हो गई आपकी आउटलो हो गई, राइट। नंबर तीन, डिबेंचर। डिबेंचर में भी सेम, डिबेंचर आपने इशू किए उससे पैसा आ गया, डिबेंचर आपने रिडीम किए फिक्स पीरियड के बाद वो पैसा चला गया, वो आपकी क्या हो गई आउटलो। नंबर चार, आपने क्या किया लोन लिया, लोन जब आपने रेस किया, लोन जब आपने रेस किया तो वो क्या हो गया आपका इनफ्लो, लोन जब रीपे करा वो क्या हो गया आपका आउटलो, राइट। तो ये चारों चीजें हो गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नंबर वन इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर थ्री डिबेंचर, नंबर फोर लोन, और लास्ट में एक चीज जो हमारी इन चारों के लिए रह जाती है वो रह जाती है इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब आपको पता है जो पैसा, जो पर्सन हमारी कंपनी में पैसा लगा रहा है, जैसे कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर वाले, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर वाले हमारी कंपनी में पैसा लगा रहा है, वो कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करने के लिए पैसा हमारी कंपनी में लगा रहा है, और वो जो पैसा लगा रहा है वो किसके लिए लगा रहा है, इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड रिसीव करने के लिए लगा रहा है और अपनी ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए लगा रहा है। ये जो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, इस तरह हमें मिलेगा नहीं, कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये जो डिविडेंड पे किया वो हमारा क्या हो गया आउटलो। दूसरा, लोन और डिबेंचर के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। अब हमने जो इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे किया लोन के ऊपर और डिबेंचर के ऊपर, ये हमारा क्या हो गया आउटलो हो गया, राइट। तो कुल मिला के पांच चीजें हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लोन, और पांचवें नंबर पे क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड को आप लोग कंफ्यूज करके मिक्स कर देते हो। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो पेड होता है तब वो फाइनेंसिंग आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट और डिविडेंड जब रिसीव होता है, रिसीव मतलब वो हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी कहीं पे, तभी तो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा, राइट। इंटरेस्ट और डिविडेंड जब हमें रिसीव हुआ तो वो हमारा क्या हो गया, हमारी इन्वेस्टिंग इनफ्लोज हो गया। इंटरेस्ट और डिविडेंड जब हमने पे किया वो हमारा क्या हो गया आउटलो हो गया, राइट। तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। अब तीनों चीजें मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एक्टिविटी करी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में हमारा क्या था, जो मेन बिजनेस रिसीट्स और पेमेंट्स है। नंबर दो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या है, सिर्फ तीन चीजें, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव। चौथा फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में पांच करी, पांच वो क्या थी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन और इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, राइट। ये तीनों एक्टिविटी को जब हम प्लस कर देंगे वो जो चेंजेस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो इस पीरियड के दौरान हमारा जो इनफ्लो है वो बड़ा या घटा, राइट, उसमें हम प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारा आंसर जो आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश। मतलब हमें पता लग जाएगा, यहां पर आपको पता करने की जरूरत नहीं है कि आंसर क्या है क्या नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे चेंजेस इन वर्किंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा।